हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से, और जो टॉपिक लिया है वो है वेक्टर्स। एक तीन नंबर का बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन लिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब दो इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर्स दिए हैं और उन इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर का सम भी आपको वन ही दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर दिया, यूनिट मतलब वन, तो कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू वन। और एक चीज और दी है कि अगर इन्हीं दोनों वेक्टर का सम कर दें तो वो भी उनका मैग्नीट्यूड भी वन के बराबर होगा। फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, कि उन्हीं वेक्टर्स का अगर डिफरेंस निकालें, उन्हीं वेक्टर्स का अगर डिफरेंस निकालें और उसका मैग्नीट्यूड करें तो आंसर रूट थ्री आना चाहिए, 100% आएगा। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो देखिए, मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। ये जो गिवन क्वांटिटी है इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या ट्रिक लगेगा। फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, मॉड ए प्लस बी वन दिया है ना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। तो देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया, लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी। लेकिन ध्यान रखना, ये जब हम 2ab लिखेंगे 2ab को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ध्यान रखना यहां पर a डॉट b के अंदर मॉड नहीं लगेगा, और अगर आप मॉड लगाते हो a और b में यहां पर, तो ध्यान रखना एक cos थीटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। थीटा तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो cos थीटा का कोई काम नहीं है यहां पर। तो 2ab वाली टर्म में आप a और b में मॉड नहीं देंगे, सिंपल ब्रैकेट लगाकर a डॉट b लिखेंगे इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन। अब इसकी और इसकी वैल्यू तो देखो क्वेश्चन में गिवन है वन, स्क्वायर दिया है तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है। तो वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू वन, ये कितना हो गया, ये वन प्लस वन टू हो गया, जो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू वन माइनस टू, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस वन। चाहो तो थोड़ी देर के लिए इसे यही छोड़ दो, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें अगले स्टेप में पढ़ने वाली है, क्योंकि आंसर ये नहीं है, हमें तो ये शो करना है कि माइनस रूट थ्री के बराबर है, तो बस वही आएगा। तो इसका एलएचएस ले लेते हैं, चेक करो जरा, ये लीजिए, और क्या करते हैं स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर क्यों लगाया, सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बाद में इस स्क्वायर को हटा देंगे, आरएचएस में स्क्वायर रूट लगा देंगे, सो ही अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, फॉर्मूला वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए डॉट बी, और याद रखना ए डॉट बी में मॉड नहीं आएगा, इसका रीजन पहले ही बताया था मैंने आपको। अगर ए डॉट बी पर यहां मॉड लगाया तो आपको यहां पर एक कॉस थीटा लिखना पड़ेगा साथ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका वैल्यू वन है, वन का स्क्वायर वन, इसका वैल्यू भी वन है, वन का स्क्वायर वन, और चेक करो इस पूरे की वैल्यू मैं पहले ही माइनस वन निकाल चुका हूं, ये लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वन प्लस वन प्लस वन जो कि हो गया थ्री। लेकिन ये थ्री वैल्यू तो किसकी आई है, स्क्वायर की आई है ना, हटाओ यहां से स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां रूट चला जाएगा। लिखने को तो मुझे प्लस माइनस रूट थ्री लिखना चाहिए, लेकिन मॉड टर्म निकाल रहे हैं ना, तो मॉड की कोई वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए आंसर में सिर्फ रूट थ्री लिखा आएगा। और चेक करो प्रूविंग में भी रूट थ्री चाहिए, तो ये लीजिए आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।